नमस्कार, NIOS के इस पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अध्यापकों के लिए, शिक्षण अधिगम के क्षमता आधारित उपागम के बारे में। शिक्षण कार्य में क्षमता के आधारित किस तरह से प्रशिक्षण और शिक्षण व्यवस्था हो सकती है, हमारे बीच में आज डॉक्टर ऋषभ कुमार मिश्रा, जो कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं। डॉक्टर मिश्रा, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप इस पर चर्चा करें, ये क्षमता आधारित उपागम क्या है, इसका विस्तृत व्याख्या करें, इसका जो एक कॉन्सेप्ट है देने का प्रयास करें। धन्यवाद डॉक्टर वालिया। कक्षा शिक्षण अधिगम के विषय में जब भी हम चर्चा करते हैं तो प्रायः हमारी चर्चा और योजना कुछ सवालों के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे कक्षा में क्या सिखाया गया। यह सवाल हम विषय के सापेक्ष पूछते हैं और जो हमारी परिपाटी चली आ रही है उसके अंतर्गत हम मान के चलते हैं कि हम विद्यार्थी को गणित, विज्ञान, भाषा या इस तरह के कुछ अन्य और विषय सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसके आधार पर हम अपनी योजना का विकास करते हैं। ऐसे ही एक दूसरा सवाल अक्सर हम पूछ के अपनी योजना का निर्माण करते हैं, कक्षा में किसने सिखाया। इसमें हम शिक्षक की दृष्टि से सवाल पर विचार करते हैं कि सिखाने वाला कौन है, उसके विषय की पृष्ठभूमि क्या है, उसका प्रशिक्षण क्या है, वो अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार से समझता है और किस प्रकार से उनके शिक्षण अधिगम की योजना बना रहा है। इसे हम अध्यापक केंद्रित उपागम कह सकते हैं। ऐसे ही विद्यार्थी केंद्रित उपागम के संदर्भ में हम पूछते हैं कि विद्यार्थी ने कितना सीखा, उसकी रुचियां क्या हैं, उसका संदर्भ क्या है, और इसके आधार पे फिर हम कक्षा में शिक्षण की योजनाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि ये तीनों पक्ष अपने अपने स्थान पर सटीक बैठते हैं और इनके माध्यम से कक्षा में शिक्षण अधिगम की योजना बनाई जाती है और क्रियान्वित की जाती है, लेकिन इसके आधार पे हम कुछ सवालों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, जैसे कि हमारे अधिगम का उद्देश्य विद्यार्थी की किन क्षमताओं का संवर्धन करना था और क्या विद्यार्थी ने जो सीखा वह उसकी ज्ञान, कुशलता और अभिवृत्ति में परिलक्षित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये दोनों सवाल हमारे विद्यालयी अनुभव के बड़े लक्ष्यों से जुड़े हुए हैं। हम केवल विद्यार्थी को विषय नहीं पढ़ाना चाहते, केवल अध्यापक अध्यापन करने नहीं आता, केवल विद्यार्थी विषय को या विद्यालय ज्ञान को सीखने नहीं आता, वस्तुतः विद्यालय की जो पूरी संरचना है उसका उद्देश्य विद्यार्थी में कुछ क्षमताओं का संवर्धन करना है। और वे क्षमताएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से उसके व्यवहार में ज्ञान, कुशलता और अभिवृत्ति परिलक्षित हो। इन बड़े प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आजकल कक्षा शिक्षण के लिए क्षमता आधारित उपागम पर बातचीत की जा रही है। यह उपागम इन प्रश्नों को संबोधित करने की कोशिश करता है। हम ये मान के चलते हैं कि जो सीखा है वह केवल सूचना और पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहे, बल्कि नई, कक्षा से भिन्न और स्वाभाविक परिस्थिति में विद्यार्थी अपनी ज्ञान, कुशलता और अभिवृत्ति का प्रयोग कर सके, ऐसी क्षमता का विकास करना हमारे शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। जब आप अपने शिक्षण का उद्देश्य इन पैमानों के सापेक्ष परिभाषित करते हैं तो कहीं ना कहीं जो चलन में परिपाटी है उससे आप अपने आप को अलग स्थापित करते हैं और साथ साथ उससे जुड़े भी रहना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, न तो आप विषय ज्ञान को पूरी तरह से अपने संदर्भ से बाहर निकाल रहे हैं और ना ही पूरी तरह से उस पर निर्भर हो रहे हैं। आपके लिए विषय ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, जो शिक्षक पढ़ाने वाला है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह उस योजना को निर्मित कर रहा है जहां दक्षताएं विद्यार्थी के शिक्षण में प्रकट होंगी। इसी प्रकार से विद्यार्थी की पृष्ठभूमि, उसकी संज्ञानात्मक क्षमताएं, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक कुशलताएं भी महत्वपूर्ण हैं, जिनके आधार पर हम उन क्षमताओं की पहचान करेंगे जो उसके न केवल विद्यालय जीवन के लिए उपयोगी हैं बल्कि विद्यालयतर जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि क्षमता आधारित उपागम हमें एक ऐसी दृष्टि प्रदान करता है जहां विद्यालय और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने के लिए विषय, शिक्षक और विद्यार्थी की पृष्ठभूमि तीनों का तालमेल करके हम कुछ क्षमताओं की पहचान करते हैं और उनके संवर्धन के लिए शिक्षण अधिगम का आयोजन करते हैं। बहुत बहुत अच्छा आपने डॉक्टर ऋषभ विस्तार से इसकी चर्चा की कि क्षमता आधारित उपागम क्या है, बहुत विस्तार से। अब मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप ये विस्तार से बताएं,
ये जो शब्द क्षमता है इसका अर्थ क्या है और इसका उल्लेख हम अपने विषयों में बहुत करते हैं, तो इसको किस तरह से हम लोग अपने शिक्षण के क्षेत्र में क्षमता शब्द का उपयोग ला सकते हैं। ठीक, धन्यवाद डॉक्टर वालिया। ये सवाल बहुत ही प्रासंगिक है कि किस प्रकार से क्षमता आधारित उपागम के अंतर्गत क्षमता को कंसेप्चुलाइज किया जाए, उसकी अवधारणा को किस प्रकार से समझा जाए। जैसा कि विषय विशेषज्ञों ने बताया है और जो पाठ्यचर्या निर्माण आदि में माना जाता है, वहाँ क्षमता एक वृहद अर्थ को द्योतित करता है। यह ज्ञान, कुशलता और अभिवृत्तियों का समुच्चय होती है। ये ज्ञान, कुशलता और अभिवृत्तियाँ केवल डोमेन स्पेसिफिक होती हैं, मतलब संदर्भ से बधी होती हैं और विषय आधारित होती हैं। अर्थात एक विशेष प्रकार के परफॉर्मेंस के लिए आपको एक विशेष प्रकार की ज्ञान, कुशलता और अभिवृत्ति का समुच्चय होना चाहिए जो दूसरे प्रकार की परिस्थिति से भिन्न होगा। और इसकी यह विशेषता परिस्थिति या समस्या की जटिल मांगों से निपटने की योग्यता पैदा करती है। जब मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि समस्या विशेष की जटिल मांगों से, तो मेरा अभिप्राय यह है कि हमारे सम्मुख हमारे जो हमारा बृहत्तर कार्य क्षेत्र है वहाँ नई नई परिस्थितियाँ आती हैं। हर परिस्थिति में एक ही जैसी ज्ञान, कुशलता और अभिवृत्ति से हम उनका सामना नहीं कर सकते हैं। उसका सामना करने के लिए हमें एक विशेष प्रकार की दक्षताओं की आवश्यकता होती है और इन दक्षताओं को ही हम उस डोमेन की दक्षता के रूप में परिभाषित करते हैं। अर्थात दो महत्वपूर्ण बातों पर हमें ध्यान रखना होगा। पहला कि हम जिन जिन परिस्थितियों के भागीदार हैं उन सब में हमारे लिए अलग अलग दक्षताओं की आवश्यकता होती है। यह दक्षता केवल व्यवहार मात्र नहीं है बल्कि इसमें ज्ञान, कुशलता और अभिवृत्ति का समुच्चय होता है जिसके माध्यम से हम समस्या का समाधान करते हैं। इसीलिए यह भी कहा गया है और माना जाता है कि दक्षता हमारे लिए एक प्रकार से मनोसामाजिक संसाधन है जो संदर्भ विशेष में हमें सक्रिय करता है और संदर्भ विशेष की समस्या से निपटने की योग्यता प्रदान करता है। बहुत अच्छे शब्दों में विस्तार में आपने उल्लेख किया क्षमता के बारे में। एक और प्रश्न आता है डॉक्टर ऋषभ कि हमारे जो विद्यालय में विषय होते हैं, अलग अलग विषय होते हैं, गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, हिंदी, सामाजिक अध्ययन है, क्या इन सभी विषयों में क्षमताएं और क्षमताओं का जो एक स्तर है वो क्या अलग अलग होता है? मैं चाहूँगा कि आप इस पर भी एक विस्तृत चर्चा करें और अध्यापकों को इस बारे में एक अच्छी सूचना होना ज़रूरी है। हर विषय के लिए एक अध्यापक है, वो एक अलग विषय को एक अलग स्तर पर ले जाने का प्रयास करता है, तो क्या उसने इस चीज़ का प्रयास करना चाहिए कि उस विषय से संबंधित क्षमता छात्रों में क्या है और उसका किस तरह से उसका उपागम निर्धारित किया जाए? मैं चाहूँगा इस पर आप प्रकाश डालें। ये सवाल क्षमता की संकल्पना से ही जुड़ा हुआ है। जैसा आपने बताया कि हमारी विद्यालय, हम अलग अलग विद्यालय में हम अलग अलग विषयों का शिक्षण करते हैं, जैसे भाषा शिक्षण, गणित शिक्षण या पर्यावरण अध्ययन जिसे हम EVS के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी अलग अलग विषयों का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हो जाता है। देखिए, दक्षता का होना एक व्यापक परिकल्पना है जिसमें कक्षा शिक्षण एक छोटा अंश है। जब मैं इस बात को कह रहा हूँ तो मेरा अभिप्राय यह है कि यदि कोई व्यक्ति विद्यालय जैसी संस्था से नहीं जुड़ा हुआ है तो भी उसे अपनी दैनंदिन परिस्थितियों में सफल निष्पादन के लिए दक्षताओं की आवश्यकता होती है। लेकिन विद्यालय में विद्यार्थी के रूप में आने पर उसके शिक्षण अधिगम की जो व्यवस्था की जाती है उसमें विषयों का केंद्रीय स्थान है। इन विषयों के लिए अलग अलग प्रकार की दक्षताओं की आवश्यकता होती है। इसे दो संदर्भों में समझा जा सकता है। पहली, कुछ दक्षताएं ऐसी जो सभी विषयों में समान रूप से उपयोगी होती हैं, जैसे लिखने, पढ़ने, बोलने और सुनने की दक्षता। लेकिन जब आप भाषा अधिगम की बात करते हैं तो उस विषय के संदर्भ में ये दक्षताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अर्थात पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना आपको गणित सीखने के लिए भी आना चाहिए, EVS के लिए भी आना चाहिए, इंग्लिश के लिए भी आना चाहिए, भाषा के लिए भी आना चाहिए, मातृभाषा के लिए भी आना चाहिए। लेकिन जब आप भाषा शिक्षण की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ ये इन दक्षताओं का संवर्धन आपका प्राथमिक उद्देश्य हो जाता है। इस
तात्पर्य यह है कि अब भाषा शिक्षण की आप जो भी गतिविधियां बनाएंगे, जिस भी प्रकार का पाठ्यचर्या क्रियान्वित करेंगे, उसका लक्ष्य भाषा से संबंधित इन दक्षताओं का संवर्धन करना होगा। ऐसे ही हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, गणित का। गिनना एक सामान्य दक्षता है जिसके लिए विद्यालय योग्यता का होना आवश्यक है और आवश्यक नहीं भी है। हम गणना की क्रिया कर सकते हैं, लेकिन गणना की क्रिया गणित की एक प्रारंभिक दक्षता है जिसमें निपुण होने पर ही व्यक्ति आगे की उच्च संक्रियाओं की ओर बढ़ सकता है। अर्थात जैसे लिखना, सुनना और बोलना भाषा के लिए एक महत्वपूर्ण दक्षताएं थीं और जिसका संवर्धन भाषा शिक्षण के द्वारा किया जा रहा था, वैसे ही गिनना, जोड़ना और घटाना या अन्य गणितीय संक्रियाएं करना गणित विषय की दक्षताएं हैं जो वहां पर विशेष रूप से संवर्धित की जाती हैं। यहां मैं ये बताता चलूं कि ये विषय आधारित दक्षताएं केवल ज्ञानात्मक स्तर तक सीमित नहीं होती हैं, बल्कि इसमें मनोगत्यात्मक और भावनात्मक दक्षताएं भी सम्मिलित होती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप विद्यार्थी को किसी कविता का वाचन करना सिखा रहे होते हैं तो आपका उद्देश्य केवल यांत्रिक तरीके से शब्दों का उच्चारण करना नहीं होता है, आप उसके संवेगात्मक पक्ष को भी प्रभावित करने की दक्षता का विकास करना चाहते हैं। आप उसमें यह क्षमता विकसित करना चाहते हैं कि वह स्वयं कुछ रचनात्मक कृतियों को रच सके। ऐसे ही गणित शिक्षण के दौरान आप केवल किताब के सवालों को हल करने की दक्षता नहीं पैदा करना चाहते, बल्कि आप यह भी दक्षता पैदा करना चाहते हैं कि वह दैनंदिन परिस्थितियों में आकार और विस्तार के संबंध को समझ सके, विमाओं का आकलन कर सके और इसके आधार पर अपने रोज़मर्रा के निर्णय ले सके। ऐसे ही आप EVS में देखेंगे, मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, आप जल की समस्या के विषय में पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके लिए जल के स्रोत जानना एक ज्ञानात्मक क्षेत्र की दक्षता होगी कि विद्यार्थी जल के स्रोत जाने, लेकिन जल की प्रदूषण की समस्या को भी जानना आवश्यक है। इसके लिए वह अपने परिवेश से उदाहरण चुन सकता है, परिवेश के ऑब्जर्वेशंस कर सकता है, उसके प्रभावों का आकलन कर सकता है। ये बातें कहीं ना कहीं अब मनोगत्यात्मक क्षेत्र की ओर बढ़ रही हैं, जहाँ उसको अपने अनुभवों को ले आना है, उनसे जुड़ी हुई बातों को सम्मिलित करना है। ऐसे ही जल समस्या का किराएदारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये वे पक्ष हैं जहाँ पर हम उसकी सांवेगिक दक्षताओं को संवर्धित कर रहे हैं। जो मैंने अभी उदाहरण लिया, मैं यह बताने का प्रयास कर रहा था कि कुछ दक्षताएं तो ऐसी हैं जो विषय आधारित हैं, लेकिन कुछ दक्षताओं के ऐसे वृहद क्षेत्र हैं जो सभी विषयों में व्याप्त होते हैं और जिस शिक्षण के दौरान जिनका हम संवर्धन करते हैं। आशा है कि इससे आप यह उत्तर आपको संकल्पना को समझने में मदद करेगा। बहुत अच्छा डॉक्टर ऋषभ, आपने एक समुचित व्याख्या करी इसके अलग अलग विभिन्न विषयों में क्या क्या क्षमताएं हो सकती है और उदाहरण के साथ आपने बताने का प्रयास किया। मैं जानना चाहूँगा, एक विज्ञान का कोई उदाहरण दे सकते हैं और साथ में ये भी बता दें कि एक विषय के अंदर भी क्या क्षमताओं में कुछ अलग विभिन्नता होती है। जैसे गणित है, गणित में हम लोग बीजगणित की बात करते हैं या रेखा गणित की बात करते हैं, या किसी भाषा में हम प्रोज और पोएट्री की बात करते हैं, गद्य और पद्य की बात करते हैं, तो क्या वहाँ क्षमताएं अलग अलग होती हैं? ये मैं जानना चाहूँगा और आप बताएं अध्यापकों को। आपके सवाल को जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, उसके दो पक्ष हैं। पहला तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या विषय के अंतर्गत क्षमताओं का समुच्चय होता है, दूसरा क्या ये क्षमताएं सीखने की प्रकृति में भी अलग अलग अंतर पैदा करती हैं। तो दोनों के लिए मेरा जवाब है हाँ। प्रत्येक विषय के अंतर्गत, वस्तुतः आप देखें विषय क्या है, विषय हमने ज्ञान की विधियों और संरचना के आधार पे अलग अलग सामाजिक यथार्थ या जो भी यथार्थ है उसके अध्ययन के लिए हमने इकाइयां निर्मित की हैं। इन इकाइयों की विधि और इन इकाइयों को जानने वाला तथा जो सिखाने वाला है, उन तीनों के संबंधों के आधार पर भी उसमें डोमेन होते हैं। जैसे भाषा की बात आपने की, उसमें गद्य को सीखना और पद्य को सीखना, इसके साथ साथ नाटक को सीखना, तीन अलग अलग प्रकार की कुशलताओं की मांग करते हैं। जैसे जिस समय आप गद्य सीख रहे होंगे तो आप विचार से जुड़े हैं, आप उस पर किस प्रकार की आलोचनात्मक टिप्पणी कर सकते हैं, यह दक्षता महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आप कविता का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं तो आप उस कविता को
किस प्रकार से अप्रिशिएट कर रहे हैं और किस प्रकार से वह आपके भाग जगत को प्रभावित कर रही है, यह दक्षता वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगी। ऐसे ही गणित के संदर्भ में भी आप देखें, यदि आप रेखा गणित पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वहाँ पर ज्यामिति आकृतियों का निर्माण करना एक प्रकार की दक्षता है। इसी प्रकार यदि आप बीज गणित पढ़ रहे हैं तो अमूर्त चिंतन द्वारा रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण का हल करना एक अलग प्रकार की दक्षता होगी। हाँ, यह अवश्य है कि उस विषय की जो सामान्य दक्षताएं हैं, जैसे गणना करने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, वह उन दोनों में व्याप्त है, लेकिन उस कुछ विषय विशेष दक्षताएं भी हैं जो उस टॉपिक के साथ ही जुड़ी हुई हैं। मैं इस आपके सवाल के लिए कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे भाषा शिक्षण के लिए क्षमता को परिभाषित करते समय हम कुछ इस प्रकार की स्थापनाएं बताते हैं, कुछ इस प्रकार की दक्षताओं या क्षमताओं की चर्चा करते हैं। सही उच्चारण के साथ बोलना, विराम चिन्हों का सही इस्तेमाल करते हुए लिखना, आरोह अवरोह के साथ पाठ का वाचन करना, संबंधित विषय पर स्वयं सृजनात्मक तरीके से लिखना। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चार दक्षताएं, जिन चार दक्षताओं का उल्लेख किया गया, आवश्यक नहीं है कि हर विषय से ये जुड़ी हों, लेकिन ये विषय की प्रकृति के अनुसार कहीं ना कहीं अवश्य प्रकट होती हैं और इन्हें हम संवर्धित भी करना चाहते हैं। ऐसे ही गणित के संदर्भ में मैं क्षमताओं का उल्लेख करूं तो प्राथमिक कक्षाओं में हम कहते हैं वस्तुओं और चित्रों का उपयोग करते हुए 1 से 20 तक गिनना, यह एक प्रकार की दक्षता है और यह प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए ही अधिक उपयुक्त है। यहाँ पर आप अमूर्त चिंतन जैसा पक्ष नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिए गए आंकड़ों से औसत ज्ञात करना। यहाँ पर अब आपके दिमाग में औसत का कॉन्सेप्ट, संख्या, स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट, गुणा और भाग का कॉन्सेप्ट, जोड़ का कॉन्सेप्ट स्पष्ट होना चाहिए। अर्थात यह एक हायर ऑर्डर इस कॉम्पिटेंसी है जो गणित विषय से जुड़ी हुई है। ऐसे ही चांदे की सहायता से विभिन्न माप का कोण बनाना, अब यह एक इसके लिए जिस दक्षता की आवश्यकता है वहाँ आप में साइकोमोटर स्किल्स को भी हम संवर्धित करेंगे कि किस प्रकार से आप त्रिविमीय आकृति की द्विविमीय तल पर परिकल्पना करके उसे आप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही आप पर्यावरण अध्ययन के लिए देखें तो यह हमारे लिए एक आधारभूत क्षमता हो सकती है कि विद्यार्थी दैनिक जरूरतों की पूर्ति हेतु आवश्यक वस्तुओं की सूची बना सके, यह एक प्रकार की क्षमता है। ऐसे ही अपने घर परिवार संबंधियों और पड़ोसियों के साथ उचित व्यवहार का प्रदर्शन कर सके, यहाँ पर अब आप सामाजिक पक्ष की प्रधानता को देख रहे हैं। ऐसे ही मानचित्र में भौगोलिक विशेषताओं को अंकित कर सके, कहीं ना कहीं यह ज्ञानात्मक भी है और साथ ही साथ साइकोमोटर स्किल्स भी है कि वह क्या मानचित्र पर उस स्थान की लोकेशन को अंकित कर पाने में सक्षम है, क्या हुआ इस प्रकार की कल्पना या मेंटल इमेज बना पा रहा है। इस प्रकार से ये क्षमताएं विषय के साथ तो जुड़ी हुई हैं, उस विषय के उप विषय में भी अलग अलग प्रकार की क्षमताएं प्रकट होती हैं। इसलिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि क्षमता का हम सामान्यीकृत अर्थ प्रयुक्त ना करें। क्षमता आधारित शिक्षण करते समय हमारे लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि जिस विषय के संदर्भ में क्षमता का उपयोग किया जा रहा है उसके लिए उस विशिष्ट अर्थ और विशिष्ट क्षमता का ही प्रयोग किया जाए। बहुत सही आपने बताया डॉक्टर ऋषभ। अब मैं और चाहूँगा आप चर्चा करें कि एक शिक्षक कैसे इसका प्रयोग कर सकता है अपने शिक्षण में, इन जो क्षमता आधारित उपागम है इसका प्रयोग, और उसमें उसको किन किन और बातों का भी ध्यान रखना होगा, किन किन और सावधानियों को बरतना होगा, मैं चाहूँगा आप इस पर भी चर्चा करें। जैसा कि आपने पूछा कि क्षमता आधारित उपागम के को कक्षा शिक्षण में अपनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसके पहले मैं आपको क्षमता आधारित उपागम में सीखने का क्या लक्ष्य होता है इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। क्षमता आधारित उपागम में सीखने का लक्ष्य होता है कि जिस क्षमता को हम सिखाना चाह रहे हैं उसमें विद्यार्थी सिद्धहस्त हो जाए, यानी कि वह उसका विशेषज्ञ हो जाए, उसमें उसकी मास्टरी आ जाए। विद्यार्थी ने क्या सीखा इसका प्रदर्शन करना भी अनिवार्य है। यह एक मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जब आप क्षमता आधारित शिक्षण कर रहे होते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी की प्रगति का अर्थ होता है कि वह क्षमताओं में क्रमिक स्तर पर शुद्धता के साथ प्रदर्शन करता जाए। अब इन 3 कसौटियों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात क्षमता आधारित उपागम में सीखने सिखाने का लक्ष्य है विद्यार्थी को अपेक्षित दक्षता में सिद्धहस्त करना, उसकी इस प्रकार की तैयारी कि वह सीखी हुई दक्षता का प्रदर्शन कर सके, और दक्षताओं का क्रमिक रूप से अधिगम करते हुए उस पर वह शुद्धता के साथ आगे बढ़े। इसे ध्यान में रखते हुए आप देखें, यदि आप अपने कक्षा शिक्षण में क्षमता आधारित उपागम का प्रयोग करना चाहते हैं
तो आपको क्या करना होगा। जैसा कि मैंने पहले की चर्चा में उल्लेख किया कि हर विषय के अलग अलग दक्षताएं होती हैं, विषय के उप विषयों के साथ दक्षताओं का अलग समूचे सक्रिय होता है। तो पाठ को शुरू करने से पहले आपको कक्षा विशेष और विषय विशेष से संबंधित क्षमताओं की सूची तैयार करनी पड़ेगी, यानी कि आप उस पाठ द्वारा विषय के माध्यम से अधिगमकर्ताओं में किन क्षमताओं को संवर्धित करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जिन विशेषज्ञता की कसौटियों को आपने सूचीबद्ध किया है वह शिक्षण और आकलन दोनों में प्रकट हों। इसका तात्पर्य है कि जो क्षमताएं आप संवर्धित करने के लिए शिक्षण कर रहे हैं आकलन के दौरान वे प्रदर्शित हों, तभी आप यह जान सकते हैं कि क्या उसने क्रमिक और शुद्ध रूप से अधिगम किया या नहीं। जिन क्षमताओं को आपने सूचीबद्ध किया है उनमें भी एक सरल से कठिन की ओर या जटिलता के क्रम में एक पदानुक्रम होता है। हमें इन जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए इन क्षमताओं को क्रमिक रूप से व्यवस्थित करना चाहिए। फिर जब हम इन क्षमताओं को हमने क्रमिक रूप से व्यवस्थित कर लिया तो उनके मूल्यांकन के मापदंड निर्धारित करने चाहिए। यानी आपने यदि ये तय किया कि विद्यार्थी दो अंकों के जोड़ कर सकता है तो यह दक्षता तब हमारे लिए कक्षा अधिगम की सामग्री बनेगी जब विद्यार्थी में गणना करने की दक्षता हो, और जब हमने दो अंकों के जोड़ की दक्षता के लिए शिक्षण किया तो हमारे मूल्यांकन का मापदंड होना चाहिए कि क्या वह वस्तुओं के दिए जाने पर मूर्त रूप से जोड़ सकेगा, इबारती सवाल दिए जाने पर जोड़ सकेगा, या किसी प्रायोगिक समस्या दैनंदिन समस्या के दिए जाने पर जोड़ सकेगा। ये जो उदाहरण मैंने दिया इसके आधार पर यह भी स्पष्ट होता है कि मास्टरी स्तर तक या सिद्धस्थ होने के लिए हमारी कसौटियाँ बहुत स्पष्ट अवलोकनीय और विभेदकारी होनी चाहिए, अर्थात एक प्रकार के व्यवहार से एक प्रकार की कसौटी की शर्त पूरी हो। ऐसा न हो कि हम मान लीजिए उसने दो अंकों के जोड़ का तो निष्पादन कर दिया पेपर पेंसिल टाइप के सवालों पर, लेकिन वह इबारती सवालों को हल नहीं कर पा रहा है, अर्थात उसने एक प्रकार की दक्षता विकसित कर ली लेकिन उसमें दूसरी प्रकार की दक्षता नहीं आई है। यहाँ पर ये दोनों प्रकार की दक्षताएं, दोनों प्रकार के सवाल दो अलग अलग प्रकार की दक्षताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आपने दक्षताओं को सूचीबद्ध कर लिया, उनके मानदंडों को निर्धारित कर लिया, तो अब आपको उन विधियों का, उन तरीकों का चुनाव करना है जिसके द्वारा इन दक्षताओं को विद्यार्थियों में संवर्धित किया जा सके। यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि ये विधियाँ केवल व्याख्यान विधि तक सीमित ना हों, बल्कि उसमें वास्तविक जीवन के उदाहरण लिए जाएं, एक से अधिक अधिगम तरीकों को शामिल किया जाए, विद्यार्थी की रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। इसके आधार पर हमें शिक्षण के संदर्भ और सामग्री में विविधता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखिए, इस व्याख्या के समय आप क्षमता आधारित उपागम की शिक्षार्थी केंद्रित उपागम से समानता को समझ सकते हैं। क्षमता आधारित उपागम से शिक्षण करने के दौरान क्षमताएं हमारे लिए प्रमुख तो हैं, लेकिन इसकी प्रमुखता की कीमत विद्यार्थियों की उपेक्षा द्वारा नहीं चुकाई जानी चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों के संदर्भ और दक्षताओं को अच्छे से जोड़ने के लिए हमें शिक्षण सामग्री, संदर्भ आदि का चुनाव करना चाहिए जिससे उसकी आवश्यकता और उसके संदर्भ के साथ अपेक्षित दक्षताएं जुड़ें और वह सीखने के एक नए मार्ग पर अपनी गति के अनुसार चले। जब आप इन बातों को ध्यान में रखकर क्षमता आधारित उपागम का अपने कक्षा शिक्षण में उपयोग करेंगे तो यह निश्चित रूप से पुस्तक केंद्रित और स्मृति आधारित शिक्षण से आपकी कक्षा को मुक्ति दिलाने का एक मार्ग होगा। प्रायः हम पाठ से विषय को पढ़ाने में जुट जाते हैं, पाठ से गणित के सवाल को हल कराने में जुट जाते हैं, और हम स्मृति आधारित शिक्षण को भी कहीं ना कहीं पुनर्बलित करते हैं, लेकिन यदि आप दक्षताओं की पहचान करके उसके लिए पाठ को सामग्री बनाएंगे, विद्यार्थी के अनुभव को आधार बनाएंगे, तो यह आपके लिए स्वयं और विद्यार्थी के लिए भी एक भिन्न प्रकार का अधिगम अनुभव होगा। इस प्रकार के अनुभव में विद्यार्थी अपने गति और तरीके से सीखने का अवसर पा सकेंगे। विषय से संबंधित दक्षताओं को संवर्धित करने से
अर्थपूर्ण अधिगम होगा। जब मैं अर्थपूर्ण अधिगम कह रहा हूँ तो उसका अभिप्राय यह है कि विद्यार्थी केवल सीखने के लिए नहीं सीखेगा, बल्कि सीखी गई विषय वस्तु के द्वारा वह अपने परिवेश की भी व्याख्या कर सकने में सक्षम होगा, अर्थात अधिगम स्थानांतरण की संभावना भी बढ़ जाती है। क्योंकि दक्षताओं की श्रेणी में हम अलग अलग जिन समुच्चयों को रखते हैं वे कहीं न कहीं अंततः विद्यार्थी के परिवेश से भी जुड़े होते हैं, और दक्षता आधारित उपागम विद्यार्थी के लगातार सीखने पर बल देता है। इसमें सीखना समय सापेक्ष न होकर एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें विषय दक्षता विद्यार्थी क्रमिक रूप से दक्षताओं पर सिद्धहस्त होता जाता है। बहुत अच्छा डॉक्टर शिव मिश्रा, आपने स्पष्ट शब्दों में व्याख्या करी कि किस तरह से एक क्षमता आधारित उपागम का प्रयोग एक शिक्षक उसका उपयोग अपनी कक्षा में विभिन्न विभिन्न विषयों के संदर्भ में आपने बताया। मैं इस विषय में एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आजकल के समाज में बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे छात्रों का जीवन के जो लक्ष्य हैं उनका निर्धारण कक्षा में होता है, ये हमको हमारे पाठ्यक्रम में इस तरह के विषय वस्तु होती है। मैं चाहूँगा आप इस पर भी प्रकाश डालें कि क्षमता आधारित उपागम से जीवन के लक्ष्य का निर्धारण हम किस तरह से कर सकते हैं और बच्चे को कैसे पहचान करा सकते हैं कि उसके जीवन का लक्ष्य उसकी क्षमताओं के साथ उसका क्या संबंध है। मैं चाहूँगा इस पर आप प्रकाश डालें। ये सवाल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और पूरी की पूरी विद्यालय व्यवस्था के सम्मुख, खासकर अध्यापकों के सम्मुख यह सबसे प्रासंगिक प्रश्न है कि हमारे जीवन के लक्ष्य विद्यालय के लक्ष्य में से कैसे संबंधित हैं। इस पर हमें सबसे पहले शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से जुड़े होने के नाते यह समझना होगा कि जीवन के लक्ष्य एक बड़ा समुच्चय है, एक बड़ा एरेना है जिसके अंतर्गत विद्यालय आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे लिए विद्यालय के लक्ष्य जीवन के लक्ष्य पर भारी पड़ने लगते हैं। अब दक्षता आधारित शिक्षण के दौरान हमारे लिए विद्यालय के लक्ष्य तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनसे पहले जीवन के लक्ष्य आते हैं और हमें यह देखना है कि जीवन के लक्ष्य किस प्रकार से शिक्षण अधिगम का हिस्सा बन सकते हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ तो बात को गोल मटोल घुमाना नहीं है, बल्कि यहाँ पर जीवन और विद्यालय के संबंध को कुछ दक्षताओं के आधार पर जोड़ना है। यह कहने में जितना आसान लग रहा है करने में उतना ही जटिल है। इसके लिए अध्यापक को विषय वस्तु की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। वह अपने विषय को केवल ज्ञानात्मक स्तर तक नहीं, सूचनाओं के स्तर तक न समझे, बल्कि यह देखे कि उसका विषय जीवन को समझने में कैसे उपयोगी हो सकता है। इस समझ के आधार पर वह कुशलताओं और क्षमताओं का निर्धारण करे जिसमें उसे अपने विद्यार्थियों को दक्ष करना है। अब यह भी ध्यान रखना अनिवार्य है हमारे लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हम इन दक्षताओं के द्वारा विद्यार्थियों पर एक बोझ बनने जा रहे हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि आवश्यक नहीं है कि सभी विद्यार्थी एक साथ एक ही समय पर उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लें। अर्थात जो आपने सवाल पूछा, जीवन और विद्यालय के संबंध में अधिगम बोझ एक बड़ी समस्या है। हम मानते हैं कि विद्यालय विद्यार्थी और अभिभावक सीखने के बोझ से त्रस्त हैं, दबे हुए हैं। कहीं ऐसा न हो आपकी दक्षता आधारित उपागम उन पर अपेक्षाओं का एक बोझ और न डाल दे। इसलिए हमारे लिए यह इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना आवश्यक है कि जिस मास्टरी लेवल को हमने तय किया है या जिस मिनिमम लेवल को हमने तय किया है, आवश्यक नहीं कि सभी विद्यार्थी वहां तक एक साथ पहुंच जाएं। हाँ, यह आवश्यक जरूर है कि उन दक्षताओं को हम उन विद्यार्थियों में संवर्धित कर सकते हैं। इसलिए हमें उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए केवल दक्षताओं का संवर्धन नहीं करना है, बल्कि विद्यार्थियों को सतत फीडबैक भी देना है। जो विद्यार्थी पीछे छूट रहे हैं उनके लिए नैदानिक शिक्षण की व्यवस्था करनी है और यह मान के चलना है कि यह सारी की सारी प्रक्रिया विषय को सिखाने के लिए एक माध्यम के रूप में चुन रही है। उसका वृहद लक्ष्य जीवन की अलग अलग कुशलताओं, आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, अंतर्वैयक्तिक संबंध को संवर्धित करना है। कहीं ना कहीं आपका ये सवाल क्षमता आधारित उपागम के औचित्य को अपने आप सिद्ध करता है। जहाँ क्षमता आधारित उपागम विद्यालय और विद्यालय के बाहर के जीवन को जोड़ता है, जिसके लिए दक्षताओं को उसने आधार बनाया है, विषय उसके लिए एक माध्यम है, विद्यार्थी और शिक्षक दो ऐसी चेतनाएं हैं जो इन दक्षताओं को सीखने और इन दक्षताओं के माध्यम से संवर्धित होने का प्रयास कर रही हैं। डॉक्टर ऋषभ कुमार मिश्रा आज हमारे बीच उपस्थित हैं और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से चर्चा
में भाग लिया और ये बताया कि क्षमता आधारित उपागम क्या है शिक्षण के क्षेत्र में, और विभिन्न विभिन्न विषयों में इन्होंने बात की, विस्तार से बात की। और मैं अंत में जानना चाहूँगा कि एक अध्यापक को क्या माता पिता को भी इसकी सूचना देनी चाहिए, मैं चाहूँगा संक्षिप्त में बताएं। और साथ ही साथ मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि एक पूरे का एक समरी के तौर पर बताएं कि आज इन्होंने जिस पर चर्चा की, जिससे हमारे सुनने वाले अध्यापक, देखने वाले अध्यापक ये जान सकें कि इन्होंने आज जो चर्चा की उसका संक्षिप्त में विवरण देने का भी प्रयास करें। जी धन्यवाद। क्षमता आधारित उपागम क्षमता को अधिगम की केंद्रीय वस्तु मानता है। इसके अंतर्गत क्षमता को ज्ञान कौशल और अभिवृत्तियों को एक ऐसे समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विद्यार्थी को किसी भी विशेष समस्या के समाधान में योग्य बनाता है। इस दृष्टि से अब आप शिक्षण करने के लिए जब अपना विषय चुनते हैं तो उस विषय के सापेक्ष उन क्षमताओं को पहचानना होता है, और ये क्षमताएं कैसे संवर्धित की जाएं इसके लिए शिक्षण गतिविधियों को विद्यार्थियों के साथ क्रियान्वित करना होता है। ये गतिविधियां विद्यार्थियों की केवल कक्षा के परिवेश में ही क्षमताओं का संवर्धन नहीं करती, बल्कि उन्हें समर्थ बनाती हैं कि वे कक्षा के बाहर के परिवेश में भी उस जैसी नई समस्याओं के आने पर उन क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकें। एक शिक्षक के रूप में आपके लिए ये एक चुनौती भरा उपागम है, लेकिन निश्चित रूप से आपके शिक्षण को यह नवाचारी बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ऋषभ कुमार मिश्रा। मुझे आशा है कि आप अध्यापक जो इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो आगे अपने शैक्षिक जीवन में और अपने कक्षा में क्षमता आधारित उपागम का उपयोग समुचित करेंगे और इसका लाभ बच्चों तक और आगे आने वाले समाज पर अवश्य पड़ेगा। आप सभी को धन्यवाद।